नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। आज के डीएनएम शो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनावी राजनीति की। मैं 2 दिन के दौरे पर था, आगरा, फतेहपुर सीकरी और कई इलाकों में मैं गया और वहां की जो जमीनी हकीकत है वो मैं आज आपके साथ डीएनएम शो में बताने वाला हूं कि वहां के क्या मुद्दे हैं। लखनऊ में बैठकर बहुत सारी बातें होती हैं, कोई कहता है कि पिछड़ों की बात हो रही है, कोई कहता है अगड़ों की बात हो रही है, कोई कहता है कि गांव की बात हो रही है, कोई कहता है शहर की बात हो रही है, कोई कहता है जाति की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, लेकिन गांव में क्या मुद्दा है चुनाव का। मैंने कई लोगों से बातचीत की, उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 का अलग अलग विधानसभा का अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन एक मुद्दा जो मैंने कई जगह पर पाया वो कॉमन है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है पशु का, आवारा पशुओं का। इस सरकार जब बनी थी उत्तर प्रदेश में तो इस सरकार ने वायदा किया था कि हम जो आवारा पशु हैं, जो घुमंतू पशु हैं, जिन्हें लोगों ने छोड़ दिया है, उन पशुओं के रख रखाव, उनके खाने का हम इंतजाम करेंगे, उनके लिए गौशालाएं बनाई जाएंगी। बहुत सारी जगह पर गौशालाएं बनी भी, ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला बनाने की बात कही गई थी, नगर पंचायत स्तर पर गौशाला बनाने की बात कही गई थी, लेकिन गौशालाएं बनी होंगी, वो गौशालाएं आज क्या कर रही हैं ये किसी को पता नहीं है। ये ठंड का मौसम है, इस ठंड के मौसम में जो हमारा किसान है वो रात में टार्च लेकर के अपने खेत पर दौड़ रहा है, उन पशुओं से अपने खेत को बचाने के लिए, अपने जो उसका उत्पादन है, जो खेती है, उसको बचाने के लिए। ये एक चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है, बुंदेलखंड में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है वहां भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पशुओं से सब लोग परेशान हैं, वो खेत चर जाते हैं, गायों का झुंड, सांड का झुंड एक साथ खेत में आ जाता है और पूरी फसल चट कर जाता है। जिस दिन किसान खेत में नहीं गया रात में, उस दिन अगले सुबह उसे खेत में फसल नहीं दिखाई देती है। जब मैंने इसके बारे में किसानों से बातचीत की कि आखिर इसका हल क्या है, तो उन लोगों ने कहा कि ये मुझे खुद भी नहीं पता है कि इसका हल क्या है, लेकिन सरकार ने वायदा किया था कि हम आवारा पशुओं से लोगों को निजात दिलाएंगे, किसानों को इससे मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन वो किसान इससे मुक्त नहीं हुआ है, बल्कि ये समस्या और विकराल हो गई है। एक बड़ी तादाद में अब झुंड के झुंड लोग आते हैं, पशु आते हैं और पूरा खेत चट कर जाते हैं। हो सकता है, किसानों का कहना है कि हो सकता है कि ये जो गौशालाएं बनी है वहां पर उनके खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। सरकार की तरफ से कहा तो गया, पंचायतों की तरफ से भी कहा गया, नगर पंचायतों की तरफ से कहा गया कि पशुओं के खाने पीने का पूरा इंतजाम गौशालाओं में किया गया है, लेकिन गौशाला में कोई इंतजाम नहीं है उनके खाने पीने का, जिसकी वजह से आवारा पशु झुंड में जब उनको भूख लगती है और रात में जब सन्नाटा होता है तो वो खेतों की तरफ चल पड़ते हैं और उन्हीं खेतों को जो हरा चारा है, हरा चारा देख करके पूरा खेत वो चट कर जाते हैं। ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा 2022 के इलेक्शन में होना है। बैकवर्ड होगा, फॉरवर्ड होगा, मुसलमान होगा, ये सारे मुद्दे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आवारा पशुओं का है। इससे इस सरकार से लोग नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है गाय के मुद्दे पर राजनीति करती है। ये सरकार को इन वोटरों को बताना होगा कि इन आवारा पशुओं का वो आगे अगर सरकार बनती है तो क्या इंतजाम करने वाले हैं। शायद
तभी ये लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों पार्टियों को भी बताना होगा कि वो किसानों की इस समस्या का हल कैसे करेंगे। किसान ये सवाल पूछ रहा है कि आवारा पशुओं से हमको कैसे निजात मिलेगी। ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा 2022 के इलेक्शन में सामने आया है और हमने इसको बहुत नजदीक से जाकर के देखा और समझा है। आज के डीएनएम शो में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।